हेलो किड्स, आज की कहानी का शीर्षक है दर्जी और हाथी। एक दर्जी था जिसका नाम था दया सागर। नाम के अनुसार ही उसमें वैसे ही गुण थे। वह बहुत दयालु स्वभाव का परिश्रमी व्यक्ति था। जब वह अपनी दुकान पर कपड़े सिलता रहता था तो उसकी दुकान पर एक हाथी प्रतिदिन खड़ा हो जाता था। दर्जी रोज हाथी को कुछ न कुछ खाने को देता था। परिणाम स्वरूप हाथी दर्जी को रोज सैर कराने ले जाता था। हाथी भी नियमित रूप से प्रतिदिन दर्जी की दुकान पर आने लगा। एक दिन दर्जी किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए वह दुकान पर न आ सका। उसने अपने लड़के को दुकान पर बैठने को कहा। लड़के ने जैसे ही दुकान खोली तो हाथी रोज की तरह उस दिन भी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। दर्जी का बेटा बहुत शैतान था। हाथी ने जैसे ही उसकी तरफ अपनी सूंड बढ़ाई, लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुबा दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया और चुपचाप वहां से चला गया। वह एक तालाब पर गया और उसमें से गंदा पानी अपनी सूंड में भरकर दर्जी की दुकान पर लौटा। लड़के ने हाथी को अपनी दुकान की ओर आते देखकर सोचा, अरे यह हाथी फिर वापस आ गया। अब की बार इस हाथी को सूंड में इतनी जोर से सुई चुबाऊंगा कि यहां पे वो फिर से नहीं आएगा। हाथी जैसे ही दुकान पर पहुंचा, उसने अपनी सूंड का सारा गंदा पानी वहां उसकी दुकान पर उंडेल दिया। इससे दर्जी की दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। अब लड़के को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। तो देखा बच्चों, हमें जानवरों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जानवर भी दोस्त बन सकते हैं, पर अगर हमने उनके साथ छेड़छाड़ करी तो वह अपना स्वरूप दिखाए बिना नहीं मानेंगे। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां लेकर मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।